सो गाइस तो हम आप लोगों के लिए फिर से एक नए वीडियो के साथ हाजिर हैं। तो गाइस जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हम अभी तक जितने भी वीडियो आप लोगों को बता रहे थे वो सारा का सारा लैपटॉप या कंप्यूटर से रिलेटेड था, बट आज हम बात करने वाले हैं कुछ हटके। तो आज हम बात करेंगे इंस्टाग्राम के बारे में। इंस्टाग्राम में जैसे क्या होता है, आप लोग देखते होगा जो इंस्टाग्राम के जो प्रोफाइल होता है उस पर ना एक तरह से वेरिफिकेशन बैच लगा रहता है, तो वो देखने में थोड़ा अट्रैक्टिव लगता रहता है। तो आप लोग भी अपने प्रोफाइल पर किस तरह से एक वेरिफिकेशन बैच लगाएगा, आज हम आप लोगों को इसी के बारे में बताने वाले हैं। क्या था पहले जो एक वेबसाइट था यूनिलिंक नाम का, जब आप उस पे जाते थे तो आप लोगों को वहाँ पे मिलता था प्रोफाइल फोटो ऐड करने का, बट अब क्या हो गया है वो ना जो वेबसाइट था वो अब बंद हो चुका है, उस पे कोई भी फोटो आप अपलोड नहीं कर सकते हैं और आप एक वेरिफिकेशन बैच वाला आइकन नहीं बना सकते। बट एक एप्लीकेशन है जहाँ पे आप इस तरह का एक वेरिफिकेशन बैच बना सकते हैं, तो चलिए किस तरह से बनाएंगे और इसी के बारे में हम आज जानेंगे। और यदि आप लोग भी अपने इंस्टाग्राम पे कुछ इस तरह का वेरिफिकेशन बैच लगाना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप के पूरे एंड तक देखिए। और यदि आप लोग के वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस तो हम अपने फोन की स्क्रीन पे आ चुके हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने प्ले स्टोर में चले जाना है, और प्ले स्टोर में आने के बाद आप लोगों को यहाँ पे एक एप्लीकेशन को सर्च करना है। तो चलिए हम यहाँ पे एक एप्लीकेशन को सर्च करते हैं जिसका नाम है प्रोफाइल पिक्चर बॉर्डर, जो आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा। इसको आपको क्या करना है, अपने प्ले स्टोर में सर्च करना है, और जैसे आप सर्च करते हैं तो आप लोगों को जो पहला एप्लीकेशन दिखता है उसे क्या करना है, अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है, और इंस्टॉल करने के बाद इसे ओपन करना है। तो चलिए हम इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा, और थोड़ा टाइम लगेगा, जब आप इसमें आते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है लेकिन ये खुल जाता है, इस तरह से आप लोगों के सामने आ जाएगा। आप लोगों को सिंपली क्या करना है, स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक करना है, तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का आ जाएगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का आ जाएगा। आप लोगों को सिंपली क्या करना है, यहाँ पे पॉपुलर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप पॉपुलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आप लोगों को सिंपली ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है, और आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा ये वाला ऑप्शन वेरीफाइड बैच वाला, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। देन आप लोग को इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देना, और यहाँ से आप लोगों को एक इमेज सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम एक इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, और इमेज को आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, और सेट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह से करने के बाद आप यदि चेंज करना चाहते हैं इस बॉर्डर को आइकन को, तो यहाँ पे अपने हिसाब से यहाँ पे इस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसे अभी यही रहने देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगता है। देन हमें क्या करना है, इसे सेव कर देना है। जैसे भी इसे सेव कर देते हैं तो ये हमारे गैलरी में सेव हो जाता है, और हमें क्या करना है, फिर से हमें इंस्टाग्राम में चले जाना है। इंस्टाग्राम में आने के बाद आप लोग सिंपली चले जाना है प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे, और जैसे आप प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे आते हैं तो आप लोग को यहाँ पे अपने प्रोफाइल वाले पे एडिट प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है, और जैसे आप एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं तो आप लोग को यहाँ पे चेंज प्रोफाइल फोटो पे क्लिक करना है। जैसे आप चेंज प्रोफाइल फोटो पे क्लिक करते हैं तो न्यू प्रोफाइल फोटो पे क्लिक करना है, और जैसे आप न्यू प्रोफाइल फोटो पे क्लिक करते हैं तो आप लोग को यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर बॉर्डर पे चले जाना है, और देन आप लोग को यहाँ से उस इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। तो हम इस इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे सेट कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से सेट करने के बाद हम यहाँ क्या करना है, एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और जैसे आप एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो फिर से आप एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पे एक लोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, देख सकते हैं। और देखिए ये कुछ ही सेकंड के बाद यहाँ पे ये सेट हो जाएगा, तो ये यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये सेट हो चुका है, और यहाँ पे ये लग चुका है। और यदि आप लोग अपने प्रोफाइल पे कुछ इस तरह का अट्रैक्टिव लगाना चाहते हैं, इस तरह का लगाना चाहते हैं, तो आप लोगों को सिंपली क्या करना पड़ेगा, इस एप्लीकेशन में जाकर इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में डाउनलोड करके आप लोग भी अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर इस तरह का वेरिफिकेशन बैच लगा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, और यदि आप लोगों को वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो और इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।